पपीता हाफ का, एक दफा 500 रुपए जल्दी रहते। रहमतुल्लाहि वबरकातुहु, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। जो कोई बहन भाई सब जो देश परदेश में अल्लाह ताला सब खुश खुरम सलामत रखे। और जी ये जो हमने 14 रोज़ा खोला था, अचानक इतना अच्छा माहौल था, ज़बरदस्त मौसम था, अल्लाह ताला ने अचानक देखे ना, जैसे कहते हैं ना किस चीज़ का पता नहीं होता। तो हमने जी स्पेशल रफ्तारी बनाई थी, साथ में बनाए थे चिकन और साथ चाइनीज़ राइस थे और पकोड़े, मतलब अच्छी स्पेशल रफ्तारी बनाई थी। हुआ क्या, हम जी मैं शरबत तैयार करने लगी, जूस तो लाइट उसी टाइम चली गई, अचानक तेज़ बारिश तूफ़ानी हवा आने लग गई और लाइट वालों ने जी बापटा वालों ने लाइट खींच ली और हमने रोज़ा खोला बग़ैर बिजली के, अंधेरे में रोज़ा खोला और पानी के साथ रोज़ा खोला। बस फिर क्या होना, अंधेरे में बस मोबाइल की रोशनी में थोड़ी सी मैंने वीडियो बनाई थी। ये तो मेरी पहले की थी, ये दिन की थी, दिन को मैंने स्टार्ट अफ्तारी का जैसे काम स्टार्ट करता है व्लॉग बनाता है, तो ये तो वही थी, इसमें रोशनी थी, इसमें कोई मसला नहीं था, मौसम अच्छा था। अचानक से तेज़ हवा चली ज़ोर से, यहीं पे मैं बाहर बैठी थी, ऊपर से बिल्कुल किचन मेरा ओपन है, आप लोगों को मैंने दिखाया हुआ। अगर आपने मेरा घर विज़िट नहीं किया तो आप मेरे चैनल को विज़िट करके उसमें होम टूर देख सकते हैं, मैंने होम टूर दिखाया हुआ है। और जी यहाँ पे मैं चिकन रेडी कर रही थी, वहाँ पे मैंने देसी तरीके से मैंने चिकन चाइनीज़ राइस बनाए थे, चिकन दम बिरयानी भी कह सकते हैं, चिकन चाइनीज़ राइस थी रेसिपी, वेजिटेबल चाइनीज़ राइस थे। और जी ये आलमोस्ट तैयार है, अचारी गोश्त चिकन बनाया था, अचारी गोश्त चिकन, इसके अंदर जी ये मैंने अचारी को इस मसाले के अंदर मैंने लीमू डाले थे, लीमू डाल के और दही मिक्स करके रख दिए थे थोड़ी देर के लिए, फिर वो डीप फ्राई हो गए थे, मतलब दही के अंदर 15 मिनट मैंने डीप करके रख दिए थे। और उसके बाद ये फिर मैंने कढ़ाई गोश्त सब तैयार हो गया था ना, तो उसके अंदर मैंने डाल दिया था, फिर दम दे के खड़ा किया, थोड़ा सा पानी डाला था और बहुत मज़े का टेस्ट आया था, बहुत मज़े का बना था। अच्छा, सब ने चाइनीज़ राइस ही खाए थे ज़्यादा, तो ये जो कढ़ाई गोश्त है चिकन अचारी गोश्त था, ये जी सुबह सैरी के टाइम खाया गया था। और ये जी मैंने इसमें सारे वेजिटेबल्स डाल दिए थे, सबसे पहले मैंने मटर भुने थे आयल में, मटर भूनने के बाद फिर ये सारी चाइनीज़, ये बंद गोभी ग्रीन भी थी, पर्पल भी थी और ये गाजर भी कट हुए हुए थे, और ये सब मुझे अली हमज़ा ने कट करके दिए थे, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो इसमें पहले मटर फ्राई कर लिए थे, फिर मैंने चाइनीज़ वो बंद गोभी पर्पल वाली वाइट सोया सॉस डाला था, चिली सॉस डाला था, फिर मैंने बस इसमें और स्पाइसिस कुछ भी डाले, और फिर मैंने इसके बाद सिर्फ काली मिर्चियाँ डाली थी, 2 से 2.5 स्पून होंगे। ये मैंने पूरा पैकेट मंगवाया था, ये पूरा मैं पैकेट ही इसके अंदर डाल दिया था, और चिली सॉस डाला था, सोया सॉस भी डालना चाहिए था लेकिन मेरे पास नहीं था, मैंने नहीं डाला था। चाइनीज़ बॉयल मैंने कर रही थी, पहले मैंने आपको दिखाया चाइनीज़ राइस चिकन मैंने बॉयल कर चिकन बॉयल नहीं किए, मतलब राइस बॉयल नहीं किए, चिकन बॉयल, उसको मैंने रोटियाँ अलग कर दी थी, तो उसको भी मैंने अलग अदरक लहसुन में भूना, फ्राई ना करते ना, मुझे अच्छा लग रहा था, अच्छा लोग नहीं फ्राई करते, लेकिन मैं जब तक फ्राई ना करूँ ना, मतलब चिकन को अदरक लहसुन में पेस्ट में, तो मुझे मज़ा नहीं करता। और जी साथ में थोड़े से पकौड़े भी बनाए थे, पकौड़े ना बने तो ऐसे लगते घर माह रमज़ान के कोई काम भी नहीं है। और ये हमारे यहाँ पर मैंने अंडा भी डाला था, 2 अंडे मैंने ऐड किए थे, इसमें मैंने थोड़ा जरते वाला रंग डाला था, और ये इसको जैसे ही मैंने बनाया था इसको कटाकट मैंने किया था, लेकिन वो वीडियो मैं नहीं बना सकी आई थिंक। और ये मैंने जैसे बनाया इसको मैंने थोड़ा सा फिलाया, फिलाकर फिर मैंने इसको फटाफट कटाकट किया, फिर मैंने ना राइस को चाव दम देने लगी थी उसी टाइम, फिर मैंने ना इसके ऊपर ये भी फिला दिए थे, माशाल्लाह साथ हमसायों को दिए थे, नीचे वाले नेबर्स को दिए थे। और जी लाइट आपको पता है शरबत स्ट्रॉबेरी का जूस बाई चांस बनाने लगी थी, और जी फिर क्या हुआ, लाइट चली गई, तूफ़ानी हवा चल पड़ी, ये सब हमने अंधेरे में रोज़ा खोला, अंधेरे में ही इफ्तार किया, पानी के साथ रोज़ा खोला, स्पेशल इफ्तारी की मत मारी थी। और ये देखें अंधेरा आपको लग रहा है, इस वजह से अंधेरा लग रहा है, बाकी जो ये फिर जी उसके बाद हो गया था, बच्चों का मीट कर रहा था, बाबा बाबा प्लीज़ हमें आइसक्रीम खिला दें, सारा दिन तो हमें रोज़ा होता है, वैसे मैंने थोड़ी सी बनाई थी वीडियो,
और जी इसके बाद ये सब खा रहे हैं आइसक्रीम। और मैंने कहा था, मैंने समझा था ये जो लोकल बाइक से मिलती है ना वो लेने जा रहा, तो मैंने कहा मैं नहीं खाती, वो बहुत ठंडी होती है ना। फिर मेरे दांत को एक दो दिन हो गया था, दर्द भी था, तो फिर मैंने कहा नहीं मैं नहीं खाऊँगी। जब पता चला जी ये ब्रांड के लेकर आ गया उमोरो की, तो फिर जी इन्होंने खाई, मेरी बड़ी मज़े की लगी थी। इनसे अगर पूरी नहीं खा सकती थी, फिर मैंने